नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय जरूर दें। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। राहुल गांधी के टेक्सास में दिए गए बयान पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर का करारा जवाब। कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के टेक्सास में दिए गए बयान पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुझे लगता है कि शायद कुछ लोगों को पढ़ने लिखने की आदत कम है। राहुल गांधी अपने समय के आंकड़े देख लें और एनडीए के समय के आंकड़े को देखें, बड़ा अंतर है। हमने बेरोजगार के दर को बहुत कम किया है। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ ताकि राहुल गांधी बाहर जाकर भारत को बदनाम ना करें। दुनिया का जो विश्वास भारत पर बना हुआ है, उसे हजारों लाखों करोड़ और निवेश भारत में आ रहे हैं। दुनिया की उम्मीद अब भारत है। मुझे लगता है शायद कुछ लोगों को पढ़ने लिखने की आदत कम है। वो अपने समय के आंकड़े देख लें और एनडीए के समय के आंकड़े देखें, बड़ा अंतर है। हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बहुत कम किया है, रिकॉर्ड स्तर पर कम है, और लगातार रोजगार स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। करोड़ों लोगों को रोजगार हमने दिया है, स्वरोजगार के अवसर दिए हैं और आगे भी देंगे। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी बाहर जाकर केवल भारत को बदनाम ना करें। जो दुनिया का विश्वास भारत में बना है, सैकड़ों नहीं हजारों लाखों करोड़ रुपए का निवेश भारत में आ रहा है। आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत बनी है। दुनिया की उम्मीद भारत है। ब्राइट स्पॉट अगर दुनिया भर में कोई है तो भारत है। ये भी बोला है कि अमेरिका में बोला है आरएसएस का जो आइडिया वो एक ही है, बीजेपी कांग्रेस का आइडिया अनेकता में एकता है। और वो हमने इनकी मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिकता देखा है। 84 के दंगों से लेकर अब तक जो फसाद और नफरत कांग्रेस फैलाती है, देश उससे वाकिफ है। सर, उन्होंने ये भी बोला है वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा बार संविधान में संशोधन किसी ने किया तो कांग्रेस ने किए। एक तरह से उसकी आत्मा को इस संविधान की कुचलने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। मैंने तो लोकसभा में पूछा था, राहुल गांधी जी कम से कम इतना तो बता दो, संविधान के पन्ने कितने होते हैं, उनको ये तो पता नहीं। और जो संविधान की वो कॉपी लेकर घूमते थे ईसीबी की, उसका प्रीफेस और फॉरवर्ड, उसकी प्रस्तावना जिन्होंने लिख ली है, गोपाल शंकर नारायण जी ने और वेणुगोपाल जी ने, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, और दोनों ने लिखा है कि इस देश में अगर काला अध्याय कोई था तो इमरजेंसी था, इंदिरा गांधी जी ने लगाया था, उसकी उन्होंने भर्त्सना की थी। और ये भी कहा था कि अगर आम जनता को किसी ने बचाया तो बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान ने बचाया था। तो राहुल गांधी जी कम से कम प्रीफेस फॉरवर्ड तो पढ़ लो जो लिखा है। श्याम पत्रकार ने बोला कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है, वो एजुकेटेड है और बीजेपी उनको बदनाम करने ना जाने। श्याम पिट्रोडा जी राहुल गांधी जी को पप्पू क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों सोचते हैं, हमने कभी नहीं कहा, हमने तो यही कहा वो प्रतिपक्ष के नेता है, अपनी जिम्मेदारी को समझे। भारत के बारे में उनको किस पटल पर क्या कहना है वो थोड़ी तैयारी करके जाएं, केवल बदनाम करने का काम ना करें और दुनिया भर में भारत की छवि को गिराने का काम ना करें। एक और पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में बहुत बड़ा है। दुनिया भर में भारतीय कहते हैं हमें गर्व है कि हम भारत के नागरिक हैं। लेकिन राहुल गांधी जी हैं, विदेशी ताकतों का सहयोग लेते हैं चुनावों से पहले भी, फंड भी लेते हैं, और जो शत्रु देश हैं उनसे भी सहयोग मांगते हैं। तो आप समझ लीजिए कांग्रेस की सोच क्या है, और कांग्रेस के सहयोगी तो संसद पर हमला करने वाले अफजल गुरु के भी पक्ष में खड़े।